हेलो दोस्त, मैं सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 पर डिस्कस करने वाले हैं और उसमें हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है और लीनियर इक्वेशन सॉल्व हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जी हाँ सही सुना आपने, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज़ हेयर फॉर यू। व्हाट इज़ नून एकेडमी? नून एकेडमी क्या है? जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको पूरी की पूरी क्लासेस फ्री में दे रहे हैं। नून एकेडमी पर आप पूरी क्लासेस फ्री में, पूरे क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली फ्री लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, MCQ एंड प्रिपरेटरी सेशंस, MSCT, NEET एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की गाइडेंस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और उससे भी आगे आपको मिलेगा अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। और ये पूरी की पूरी बातें आपको फ्री में मिलने वाली है ओनली ऑन नून एकेडमी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लास का मज़ा लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ, यानी कि कार्टेशियन सिस्टम, वो हम पहले सीखने वाले, थोड़ा रिकॉल करने वाले हैं क्लास 9th का थोड़ा सा पोर्शन। ये देखिए, ये है कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हेयर इज एक्स डैश एंड वाई डैश। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तब इस पूरे ग्राफ पेपर के चार पार्ट हो जाएंगे, चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, इधर सेकंड पार्ट, ये वाला थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ। और ये चारों पार्ट्स कहलाएंगे क्वाड्रेंट। इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये हो गए चार क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेंट के साइंस कौन कौन से हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसमें साइन होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस। क्वाड्रेंट सेकंड में होंगे साइन माइनस प्लस। क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों साइन होंगे माइनस माइनस। और क्वाड्रेंट फोर में दोनों साइन हो, एक साइन होगा प्लस और दूसरा साइन होगा माइनस। तो ये साइन किस चीज़ के है? तो ये साइन है कोऑर्डिनेट्स के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो ये क्लास 9th में पढ़ा है हमने, तो फिर भी एक बार रिकॉल कर देंगे। ये देखो, यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिखेगा, ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से पहले ये समझ लो कि किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन प्लेन में। यहाँ पर दो एक्सिस होने के वजह से दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए, पहला तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो सीधा हम नीचे जाएंगे एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? -8 है। तो इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इज -8, सो -8 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, सीधा वाई एक्सिस पे जाएंगे। वाई एक्सिस पे क्या है यहाँ पर? 4। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4। तो पी इज -8, 4। -8, 4 ये क्या है? उसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? अब कोऑर्डिनेट को सिंपल भाषा में हम समझेंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब है लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन उसकी, कि वो कार्टेशियन प्लेन में कहाँ मौजूद है वो पॉइंट। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की लोकेशन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? समझो, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट नीचे देखेंगे 3। पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सीधा इधर आएंगे वाई एक्सिस पर, तो क्या हुआ? 2, 3, 2। पॉइंट बी की लोकेशन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 2। ऐसे ही हमें पॉइंट और उनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना है अगर हमें ग्राफिकल मेथड अच्छे से सीखना चाहिए। तो ये सब सभी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए, इसके बाद हम एक्चुअल ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो हम एक्टिविटी सॉल्व कर देंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2। अब क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे एग्जाम्पल दिए वाले, एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के लिए, लेकिन एक्चुअल ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ खाली वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो देखिए, पहले तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3।
यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ वाई वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, दैट मीन्स 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। नाउ अब क्या होगा, वाई एज इट इज प्लस 3 गोज टू राइट हैंड साइड एंड बिकम माइनस 3, 3 माइनस 3 0, वाई इक्वल टू 0, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 0, सो हेयर कम्स 3,0, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 5, तो क्या करना है यहाँ पे हमें, वाई इक्वल टू 5 है तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ये वैल्यू ऑफ वाई इज 5, एक्स एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज, देयर फोर एक्स इक्वल टू प्लस 5 गोज टू राइट हैंड साइड बिकम माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2, वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस 2, ओके, एंड देन द पॉइंट बिकम्स माइनस 2,5, ओके। नाउ वट इज द थर्ड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड एक्स, वी हैव अगेन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 3, एंड देयर फोर वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एंड देयर फोर वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 3, वाई वाई की जगह पे क्या लेंगे, 3 लेंगे, इज इक्वल टू 3, प्लस 3 गोज टू राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3, तो क्या हो गया फिर, एक्स इक्वल टू 0, वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 0, सो हेयर 0,3। तो ऐसे में हमें इस तरह से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पे और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए सेकंड टेबल भी ऐसे ही सॉल्व करके लेंगे। सेकंड टेबल क्या है, सेकंड टेबल है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो क्या होगा यहाँ पे, पहली तो वैल्यू दी गई है वाई की, वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 0, तो क्या होगा फिर वहाँ पे, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और किसी भी नंबर से 0 माइनस किया तो वो नंबर खाली बचता है एक्स इक्वल टू 4, क्या हुआ फिर, एक्स इक्वल टू 4, सो पॉइंट क्या बनेगा, 4,0। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 दी गई है, माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन क्या है अपना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे 1 माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई फिर एज इट इज प्लस 1 है राइट हैंड साइड में जाने के बाद में क्या होगा, माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, सो वट विल द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 3, माइनस साइन विल बी कैंसल, वाई इक्वल टू सॉरी माइनस 3, वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस साइन विल बी कैंसल विद द प्लस साइन, यहाँ माइनस वाई की प्लस वाई किया और प्लस 3 के माइनस 3, सो वैल्यू ऑफ वाई माइनस 3 एंड द पॉइंट बिकेम माइनस 1,-3, ओके। एट लास्ट दिया हुआ है, इस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि ये एक्टिविटी अच्छे से आपको समझ में आ गई, एकदम ईजी था, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल सवाल नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक ग्राफिकल मेथड से एक्चुअल हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसे सॉल्व करना भी इतना ही आसान है जितना आसान ये एक्टिविटी थी। पहले तो सेम इक्वेशन दिया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले तो हम दोनों इक्वेशंस के टेबल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोनों इक्वेशन के टेबल कैसे ड्रॉ किए, समझो पहले कॉलम में क्या लिया हमने, एक्स वाई एंड एक्स कॉमा वाई, मतलब ये तीन पॉइंट्स है हमारे, क्या है, तीन पॉइंट्स है, तो तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे पहले तो, और उसके बाद में उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करके जो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला तो इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हम दोनों में से कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, आइदर एक्स और वाई, तो वैल्यू ऑफ एक्स कंसिडर करो समझो 1, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो क्या हुआ फिर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ एक्स 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, सो वाई इक्वल टू 6 प्लस 1 गोज हेयर माइनस 1, वाई इक्वल टू 5, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन 1,5, सॉरी द पॉइंट बिकम्स 1,5, एंड सेकंड सेकेंडली वी विल कंसिडर वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 2, वट इज द इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू प्लस 2 गोज देयर
सिक्स माइनस टू दैट मीन्स फोर, वैल्यू ऑफ एक्स फोर, मतलब पॉइंट क्या बना, 4,2। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, थर्ड थर्ड कोऑर्डिनेट, एक्स या वाई कोई भी कंसिडर कर सकते हैं हम। सपोज कंसिडर करेंगे वाई, वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, देयर फोर एक्स एज इट इज प्लस वाई की वैल्यू क्या है, थ्री इक्वल टू सिक्स, एंड देयर फोर एक्स इक्वल टू प्लस थ्री गोज देयर, सिक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, पॉइंट क्या बना, 3,3। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि निगेटिव में है, आसान जाएगा हमें कंसिडर करने में। वैल्यू ऑफ y क्या कंसिडर करेंगे, निगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए सपोज y इक्वल टू माइनस टू कंसिडर कर लिया समझो, तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस टू, देयर फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस साइन एज इट इज रख लेंगे, ये माइनस साइन एज इट इज, और उसके बाद में वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई क्या है माइनस टू, उसके बाद में इन ब्रैकेट माइनस टू इक्वल टू फोर। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस किट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू इक्वल टू फोर, एंड प्लस टू राइट हैंड साइड में जाने के बाद फोर माइनस टू, देयर फोर एक्स इक्वल टू टू। इस तरह से कुछ ये सॉल्व हम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टू दैट मीन्स 2,-2 इज द फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि सपोज एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स कंसिडर करी समझो, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, देयर फोर इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, इट इज द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स थ्री, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू फोर एज इट इज, देयर फोर माइनस वाई फिर से एज इट इज इक्वल टू फोर, और ये प्लस थ्री जो है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस थ्री हो जाएंगे। दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, एंड देयर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वट इज वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू माइनस वन, सो पॉइंट क्या बना, 3,-1। उसके बाद तीसरा पॉइंट सर्च करेंगे, यहाँ पर सपोज वैल्यू ऑफ एक्स निगेटिव अगर समझो हमने ले ली, वैल्यू ऑफ एक्स क्या ले ली, निगेटिव ले ली, सपोज वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या होगा इक्वेशन, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, देयर फोर एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू फोर, देयर फोर माइनस वाई एज इट इज रखेंगे फोर, और ये माइनस वन जो है राइट हैंड साइड में जाने के बाद में क्या होगा, प्लस वन, दैट इज इक्वल टू फाइव, माइनस वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू क्या बना, माइनस फाइव, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, अब पॉइंट क्या बना, -1,-5। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, और इसी के मदद से हमें पूरा ये इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये पॉइंट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे यहाँ पे, और उस ग्राफ पेपर में ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया गया है देखिए आपके स्क्रीन पे। तो इस ग्राफ पेपर पे हमने पहले तो कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर ली, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस, और इधर नीचे वाई डैश, और ये बीच में हमारा ओरिजिन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दिए गए पॉइंट है जो अभी हमने फाइंड आउट करके निकाले, वो पॉइंट एक एक करके हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। पहला तो पॉइंट है 1,5, 1,5, उसको यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। कहाँ मिलेगा 1,5, पॉइंट क्या है पहला, 1,5, सिंपल है, पहला कोऑर्डिनेट है एक्स, दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5 सर्च करना है। एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1, ये देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है 1, ये देखो एक्स एक्सिस पर, ये देखो 1 यहाँ पर, और उसके बाद में वाई एक्सिस पे क्या है, 5, ये देखो यहाँ पर, और ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये 5 वाली लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पर मैच हो गई, देखो। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा पहला पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हम देंगे पहला पॉइंट अपना, जो कुछ जो कोई भी है वो कौन सा है, पहला पॉइंट हमारा 1,5, देखो ठीक से देखना, 1,5, ये देखो यहाँ पर 1,5, और ऐसे ही करके एक एक करके हम पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, जो कि अगला पॉइंट है 4,2 और 3,3, 4,2 और 3,3 क्या है,
4,2 और 3,3। 4,2 ये देखो यहाँ पर 4,2, और उसके बाद में 4,2, उसके बाद 3,3, ये देखो यहाँ पे। और पहली बात तो ये कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। ये तीनों पॉइंट पॉइंट क्या होने चाहिए? कोलिनियर। और जैसे ही ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो समझो इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। उसके बाद बचे हुए तीन पॉइंट्स जो कि क्या है, बचे हुए तीन पॉइंट्स क्या है, 2,-2, 3,-2, 2,-2, 3,-2, 2,-2 यहाँ पर, और 3,-1 यहाँ पर। ये देखिए ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बचा हुआ है वो कौन सा है? वो पॉइंट है -1,-5। क्या है? -1,-5। ये देखो -1 यहाँ पर और -5 यहाँ पर। ये देखिए -1,-5, और ये तीनों भी कोलिनियर है, तो इसके बीच में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों पॉइंट के अंदर से जानी चाहिए, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, तो वो चीज़ क्या है? क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। 1,5 यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है? 1,5। दूसरा पॉइंट ये नीचे क्या है? ये पॉइंट है 3,3। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? 4,2। यहाँ पर पॉइंट 3,-1, इधर नीचे 2,-2, और उसके भी नीचे यहाँ पर -1,-5। उसके बाद इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन x+y=6, और ये वाला इक्वेशन क्या है, दूसरी लाइन क्या है, x-y=4। और जो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होने वाली है उसे हम कहेंगे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्या है अपना, ये सीधा नीचे आएंगे, वैल्यू ऑफ x इधर जाएंगे y एक्सिस पे, वैल्यू ऑफ y। सो सोल्यूशन क्या है अपना, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है x की वैल्यू क्या आ गई नीचे यहाँ पर, x=5, और y की वैल्यू क्या आ गई, y=1। ये क्या हो गया अपना, सोल्यूशन होगा, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ग्राफिकल मेथड यूज करके हमने ये इक्वेशन पूरे के पूरे यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो एकदम आसान इक्वेशन है, कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एकदम आसान है। तो आसान भाषा में हम यहाँ पर समझ गए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है किसी को कुछ समझो, तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिए वाले हैं। क्या है इक्वेशंस? पहला इक्वेशन है 3x-4y=7, दूसरा इक्वेशन है 5x-2y=0। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे इक्वेशन, इसीलिए क्या करेंगे हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा एक सिंपल भाषा में लिखेंगे। उसके पहले दोनों टेबल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों टेबल ड्रॉ करने के बाद में पहला इक्वेशन क्या है अपना, पहला इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन इज 3x-4y=-7। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x=-7+4y। कैसे बना ये? -4y की टर्म हमने राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद में वो क्या हो गई, +4y। देयरफोर एक्स इक्वल टू नाउ -7+4y एज इट इज, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएंगे। तो ये बना हमारा थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन। अभी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वजह से, तो वाई की वैल्यू हमें कंसिडर करना है। सपोज हम वाई की वैल्यू कंसिडर करेंगे, मैं सपोज यहाँ पे कंसिडर करता हूँ -1, 7 और -5, ये तीनों वैल्यू। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वाई, या शायद वैल्यू ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन हमने एक्स के हिसाब से लिया हुआ है, तो समझो वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो पहली वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ वाई, y=-1, y=-1। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x=-7+4, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई पुट करेंगे यहाँ पर -1, वैल्यू ऑफ वाई क्या है -1, सॉरी वैल्यू ऑफ वाई +1 लेंगे, वैल्यू ऑफ वाई क्या लेंगे +1 लेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू +1, 1 मिनट, यस, वैल्यू ऑफ वाई +1, देन अपॉन 3, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -7, यहाँ पर +1 ली गई, -7+4 अपॉन
3, therefore x equal to minus 3 upon 3, that is equal to minus 1, x equal to माइनस वन. ओके, एक्स इक्वल टू माइनस वन. उसके बाद में दो और वैल्यू कौन सी? सपोज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सेवन है, यहाँ पे वाई इक्वल टू सेवन है, क्या होगा फिर उसके बाद? एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस सेवन प्लस फोर इन ब्रैकेट सेवन अपॉन क्या हुआ? 3, दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन, 4 7 28 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7. उसके बाद क्या बनेगा इक्वेशन, क्या बनेगा तीसरा? माइनस 5 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस 5 वाई इक्वल टू माइनस 5, देन एक्स इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 इन ब्रैकेट माइनस 5 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 20, माइनस 7 माइनस 20 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 9, क्या हुआ? माइनस 9. ओके, देन एक्स इक्वल टू माइनस 9. वॉट आर द पॉइंट्स? माइनस 1 कॉमा 1, वॉट इज सेकेंड पॉइंट? 7 कॉमा 7, वॉट इज थर्ड पॉइंट? माइनस 9 कॉमा 5, माइनस 5. ओके, देन सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. उसके बाद में उसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5x इक्वल टू माइनस 2y गोज टू राइट हैंड साइड 2y, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 2y अपॉन 5, और इसे फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे फिर? इसे आगे हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 2y अपॉन 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? फर्स्ट वैल्यू वी विल टेक 5, सेकेंडली वी विल टेक माइनस 5, एंड देन वी विल टेक 0. सो आप लोग पूछ रहे होंगे कि यही वैल्यू क्यों ली? तो यही वैल्यू प्रॉपर वैल्यू आ जाएंगी, इसीलिए यही वैल्यू ले ली. अब कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन उसके फ़र्क क्या पड़ेगा कि फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि जो आंसर है हमारा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा या डेसिमल फ्रैक्शन में आ सकता है. तो देखिए x इक्वल टू क्या बनेगा, अगर वैल्यू y की वैल्यू y इक्वल टू हमने 5 ले लिया, तो x इक्वल टू 2y अपॉन 5 है, तो उससे क्या बनेगा आंसर? तो 2 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y 5 अपॉन 5, दैट मीन्स n अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2. तो 2.5 बना पॉइंट हमारा यहाँ पे. उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या लेंगे? दूसरी वैल्यू लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लूँगा, दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू माइनस 5, एंड देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या है? 2y अपॉन 5 है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा? 2 इन ब्रैकेट माइनस 5 अपॉन 5. उसके बाद में क्या होगा? 5 2 10, माइनस 10, माइनस 10 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 2. वट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू माइनस 2. पॉइंट क्या बना? माइनस 2 कॉमा माइनस 5. उसके बाद 0, 0 है तो क्या होगा? 0, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0, 0 कॉमा 0, तीनों पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गए. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद उन तीनों में से लाइन ड्रॉ कर देंगे. पहला पॉइंट क्या है? 1, माइनस 1 कॉमा 1, दूसरा पॉइंट है 7 कॉमा 7, माइनस 1 कॉमा 1. देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, माइनस 1.1, माइनस 1.1 यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट 7.7, ये देखिए यहाँ पर 7.7, जी हाँ यहाँ पर. तीसरा पॉइंट उसके बाद में देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा माइनस 9.-5. क्या है? माइनस 9 कॉमा माइनस 5, माइनस 9, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, माइनस 9 कॉमा माइनस 5, ये देखिए यहाँ पर. तो इन तीनों में से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार. उसके बाद और दूसरे तीन पॉइंट कौन कौन से है? 2.5, माइनस 2.-5, 2.5 और
-2, -5। देखिए 2, 5 यहाँ पर, उसके बाद -2, -5, -2, -5, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट जो है वो है ओरिजिन, 0, 0 है वो बिल्कुल यहाँ पर। इसके बीच में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए दोनों लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, दोनों पॉइंट भी हो गए, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे पुट करना बाकी है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? 7, 7। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 2, 5। ये पॉइंट कौन सा है? 0, 0। ये कौन सा है? 1, -1, 1। उसके बाद ये है -9, -5, और ये है -2, -5। तो अब हुआ क्या? इक्वेशन रह गए। इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन देख लेंगे एक बार। इक्वेशन क्या है? 3x-4y = -7 और 5x-2y = 0। 3x-4y = -7। 3x-4y = -7। 3x-4y = -7। और दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि है 5x-2y = 0। 5x-2y = 0 यहाँ पर लिख लेंगे, 5x-2y = 0। और उसके बाद में एट लास्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? तो दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई। देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, नीचे आएंगे, वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी हमको, वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू नीचे आएंगे 1, और इधर अगर जाएंगे तो 2 और 3 के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है। तो क्या है? 2.5। वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू 2.5। तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। और इस प्रकार से हमने ये दोनों की दोनों पूरी हमने लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हमने सॉल्व कर दिए यहाँ पे। तो देखिए जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रैमर्स रूल। जल्दी मिलेंगे, शायद कल कल शाम को। तब तक के लिए थैंक यू, अपनी केयर करते रहिए और अपने आसपास खुशहाली बनाए रखिए। थैंक यू।